कमलनाथ सरकार में मंत्री रही ज्योतिरादित्य सिंधिया, समर्थक भाजपा नेता इमरती देवी और कांग्रेस विधायक सुरेश राजे एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों नेताओं के बीच तू तू मैं मैं का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों नेताओं के बीच विवाद नगर निकाय चुनाव में पार्षदों की खरीद फरोख्त के आरोप के बाद हुआ। बीजेपी नेता इमरती देवी और विधायक सुरेश राजे ने एक दूसरे पर पार्षदों को खरीदने बेचने का आरोप लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में इमरती देवी कह रही है कि डबरा में हमारे 7 पार्षद थे, कांग्रेस के 10 पार्षद थे, हमने अध्यक्ष बनाया। वहीं कांग्रेस विधायक का कहना है कि उनके पास 10 पार्षद थे, अध्यक्ष हमारा बनना चाहिए। लेकिन पार्षदों की खरीद फरोख्त हुई, इस दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। वायरल वीडियो में सुना जा सकता है कि कांग्रेस विधायक इमरती देवी से कह रहे हैं कि तुमने पार्षद खरीदे हैं। इमरती देवी ने कहा कि तुमने बेचे हैं। इस पर कांग्रेस विधायक सुरेश राजे भड़क गए और कहा कि यह आरोप कैसे लगाया, मैंने कब पार्षद बेचे, किसको बेचे, जिसको पार्षद बेचे उसका नाम बताओ। वही मामला बढ़ता देख पास में मौजूद लोगों ने दोनों नेताओं को वहां से हटाकर मामला शांत कराया। पार्षद खरीद के लाने इमरती देवी गए थी नरोत्तम नो लेके पूरे 10 विधायक। मेरे पार्षद खरीदे, किसने खरीदे, किसने खरीदे, तुमने बेचे, किसने खरीदे, तुमने 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 बेचा मेरे को पूरे पार्षद। एक मिनट रुको, कौन सा पार्षद गया मैं तुम्हारे पास लेके, पूरे बुला ले, हमारे पास कौन सा पार्षद लेके कैसे लगा सकते हो आप, तुमने आरोप कैसे लगाया। अरे मत ही लड़ो, कोई पैदा नहीं हुआ खरीदने वाला, कोई पैदा नहीं हुआ खरीदने वाला, सब जानते हैं। आप भी सुनो, यहाँ किसी का कुछ नहीं बनाएगा, ये इमरती देवी ने घेरी है और मैं बनाऊंगी, जो गाँव का कहेंगे वो बनाऊंगी, और आप घेरे जाके अब हम बनेंगे। भाई समाज के बंधु सुन ले, भाई समाज के बंधु सुन लो, या सुन लो, लेकिन मुझसे मत कहना मना कर रहे हैं। देखो अब चेन्नई के लोग सुन ले, इनकी निजी संपत्ति है ना, नहीं निजी संपत्ति है, चेन्नई की है, बना है चेन्नई की।